కొని చూడావు తో వాంకి మిచ్చద అనుపడుతున్నా నువ్వు వైజీ తో వద్దే అదే हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो गाइस अभी बज चुके हैं 2 दोपहर के और मैंने अभी तक कोई व्लॉग शूट नहीं किया, थोड़ी सी भी क्लिप शूट नहीं की। पता नहीं क्यों, क्या कैसे आज मन ही नहीं किया शूट करने का बिल्कुल भी। तो अभी 2 बज चुके हैं, बाहर आज इतनी अच्छी धूप नहीं है, मौसम थोड़ा ख़राब है और बस अभी 3 बजे राघव आएगा, उसको लेके आना है, स्कूल गया था वो। और बस अभी और अभी थोड़ा थोड़ा उजाला है, अभी 6 बज चुके हैं, 6 या 6:15 हुए हैं और मैं जा रही हूँ अंदर खाना बनाने के लिए। अभी दीदी हैं, बर्तन साफ़ कर रहे थे थोड़े बहुत, और पता नहीं रसोई में थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहे थे। तो मैं अभी जा रही हूँ अंदर और मैं बनाऊँगी खाना। सबसे पहले बनाऊँगी सब्ज़ी, उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो गाइज़ यहाँ मैंने जा कर के रसोई का काम फिनिश किया है और खाना वाना बनाया था, इसके बाद हम सो गए थे। मैंने इसके बाद कोई व्लॉग शूट नहीं किया, 1-2 मिनट की वीडियो थी तो मैंने अपलोड भी नहीं की। और यहाँ देखिए, यहाँ हो चुकी है दूसरे दिन की सुबह और मैंने दूसरे दिन का व्लॉग भी यहाँ ऐड कर दिया है। तो आप ये चीज़ ज़रूर देखना कि 2-3 दिन का ये व्लॉग है। तो गाइज़ अभी मैं आई हुई थी धूप में, धूप बहुत अच्छी निकली हुई है बाहर, तो मैं भी धूप में आई हुई थी। और खाना वाना सब बना लिया है, मैंने घर का काम पूरा फिनिश कर दिया है। अभी बस नहाना है, तो गीज़र मैं ऑन करके आई हूँ। गीज़र में पानी जब तक गर्म होता है तब तक थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी और नहा करके फिर मैं देखती हूँ कुछ करना है तो काम। और बाकी रूटीन का सारा काम हो चुका है फिनिश। इम्तिहान रख, नीचे कार खड़ा रखी, फिर क्या एक्सीडेंट हो गया, नहीं बैठा कोई साधन रादे नहीं कर तो होगा कौन। तो गाइज़ यहाँ हमारी दोपहर की चाय बन चुकी थी और यहाँ जा रहे हैं शाम को राघव के दादाजी और राघव के फूफा जी गाड़ी सीखने के लिए। और ये देखिए, यहाँ वापस घर भी आ चुके हैं। ये 1 घंटा भर चलाई थी इन्होंने ये गाड़ी। और ये था बस इस दिन का व्लॉग, मैंने यहाँ तक ही शूट किया था कि और बस यहाँ से है दूसरे दिन का व्लॉग शुरू। हे गाइज वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे से होंगे। तो गाइज़ अभी हो चुके हैं, टाइम हो चुका है 9:30 और अभी मैं लग रही हूँ कमरे को साफ़ करने के लिए और फिर मैं करूँगी बाहर कुछ काम। आज कपड़े भी धोने हैं, कल गए थे हम बसंत पंचमी मनाने के लिए खेत में तो कपड़े धोने थे कल, वो नहीं धो पाई मैं तो आज धोऊंगी। और बस अभी मैं घर का काम स्टार्ट कर रही हूँ। राघव 8:30 बजे स्कूल चला गया था, अभी मैंने थोड़ी देर छोटू को खिलाया था बाहर और अभी मैं करने जा रही हूँ मेरे घर का काम शुरू।
गाइस फाइनली मैंने पूरा कमरा साफ कर दिया है और ये खिड़की मैंने खुली रखी है ताकि थोड़ी बहुत धूप इससे अंदर आ सके, क्योंकि धूप आ रही है अच्छी खासी। तो ये खिड़की मैंने खुली इसीलिए रखी है ताकि थोड़ी बहुत धूप है वो अंदर आ सके, क्योंकि धूप अच्छी खासी अंदर आ रही है। धूप आती है तो यहाँ पर जो इधर वाली दीवार है नमी सी हो रखी है इस दीवार पर, यहाँ से ये पूरा बेड है जो पीछे से गीला गीला हो रखा है, तो वो धूप अगर यहाँ अंदर आएगी, यहाँ पर आती है धूप, तो हो सकता है सूख जाए। इसलिए मैं खिड़की को सुबह सुबह रोज़ खोलती हूँ जब तक धूप निकलती है। तो मैं बाहर झाड़ू निकालने जा रही हूँ। बाल पटली है रे मेरे, तकड़ा ही पट्टा खड़ी तकड़ा ही। ओए ना देख छोटिया, ओ छोटियो तो, ओए छोटिया तकड़ा ही पट्टा है यो है वज्जी, यो है वज्जी बनने कोई आसान है नहीं भी। हां जोर लगाओ, जोर लगाओ, तकड़ा पट्टा है। अरे मनिंगो भाई को नहीं बनना मोटा भाई बनना को एंजी में कॉल है अन छोटिया, छोटू छोड़ 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 कोनी छोड़ा हो तो ओ क्या मिच्चा दन पड़ना जो भाई जी तो बहुत जे आदे ने।